ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू रियलिस्टिक एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो जो है ना बस कंप्लीट वॉच कर लेना एंड आपको मैं सिखाऊंगा कि गाइस आपको मतलब कैसे एडिट करना है एंड आपको एकदम इजी स्टेप में सिखाऊंगा, तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी आप जो है मतलब एडिटिंग करोगे तो आपको एकदम इजी स्टेप में आप एकदम कर पाओगे, ठीक है? तो बाकी गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक करनी थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइस आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है? तो यहाँ से हम मॉडल को ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे जो गाइस मेरा मॉडल का जो बैकग्राउंड है वो पहले से इरेज कर रखा है, ताकि यार आप सभी को जो है मतलब यहाँ पे वीडियो में ना दिखाऊँ, मतलब अगर आपको वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी ना, तो इसलिए मैंने पहले से इरेज कर रखा था। एंड जिनको इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप वीडियो को जगह देख लेना। अब गाइस जब यहाँ पर अपना मॉडल को जिस टाइप से जब लगा दोगे तो गाइस आपको डन नहीं करना, आपको जाना ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से आप सभी को कुछ पैरेट्स के पीएनजी मिल जाएंगे, ठीक है? सारे पैरेट्स के पीएनजी जितने भी मैं यूज़ करूँगा सब कुछ आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से देखना आपको कौन सा पैरेट किस जगह पर लगाना है, बस इस चीज़ का। गाइस ये वाला जो पैरेट का पीएनजी आप सभी को इसमें क्या करना है गाइस, देखिए अभी तो पहले मैं इसको ना पहले रोटेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से इसको जो मैं यहाँ पे जो शोल्डर नीचे पैरों के पास जो है वहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा देंगे, ठीक है? मतलब इस तरीके से जो मतलब कि जो पीछे की साइड से उड़ के जा रहा है पैरेट, ठीक है? ऐसे दिखाने के लिए तो हम कुछ इस टाइप से लगा लेंगे एंड अगेन जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद हम यहाँ से एक ये वाला पीएनजी लेंगे, ठीक है? ये वाला जो है हमारा पैरेट इसका लेंगे एंड इसको लेके हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड ऐड करने के बाद जो हम इसको यहाँ पे कुछ अपने हैंड के पास जो है कुछ इस तरीके से लगा देंगे, यहाँ पे हैंड नहीं यहाँ पे लगा देंगे हम अपने, ठीक है? इस तरीके से इस जगह पे तो यहाँ पे लगा देंगे एंड इसके बाद जो आपको यहाँ पे इतना जाने के बाद आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना एंड यहाँ से सभी को ऐड कर लेना, तो मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ। ओके गाइस यहाँ पे हमने फाइनली जो जितने पीएनजी वगैरह था हमने लगा लिए, तो अब इसको हम डन करते हैं। अब गाइस ऐड फोटो में जाके एक पीएनजी और ऐड करना है हमें, जो है कि गाइस यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो जो फायर के हम इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐड फोटो में जाकर आपको ऐड करना है एंड इसको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करना है एंड उसके बाद आपको फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से जो यहाँ पे ऐसे रख देना है, ठीक है? एंड इससे जो है आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है एंड इसको लेकर चलना है आप सभी को लाइट रूम ऐप में, ठीक है? तो इसको हम लाइट रूम ऐप में लेकर चलते हैं एंड ऐसे गाइस जब लाइट रूम ऐप को आप ओपन करोगे तो गाइस आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, तो आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जो है इसको यहाँ पे हल्का सा कम करना है, हाईलाइट जो है इसको यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देना है एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे आपको हल्का सा इंक्रीज कर देना है एंड जो वाइट है इसको यहाँ पे कम कर देना है एंड जो ब्लैक है इसको यहाँ पे कम कर देना है। फिर उसके बाद जाना आपको कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, वाइब्रेशन बढ़ाने के बाद आपको टेम्परेचर मिलेगा आपको उसको कम कर देना है। फिर जाना आपको कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर आपको सेलेक्ट करना है, सेचुरेशन आपको माइनस कर देना है, ठीक है? एंड जो लूमिनस इसको यहाँ पे बढ़ा देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे मिलेगा येलो कलर, आपको जो इसका ह्यू माइनस कर देना है एंड सेचुरेशन जो इसको प्लस कर देना है एंड उसके बाद आपको ग्रीन कलर मिलेगा, इसका सेचुरेशन आपको माइनस कर देना है। जाना आपको ब्लू कलर में, इसका सेचुरेशन आप चाहो तो माइनस कर सकते हो एंड चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, ठीक है? आपकी मर्जी है। अब आपको यहाँ पे इसको डन कर देना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन, आपको इसमें जाके आपको क्लियरिटी को इंक्रीज करना है, फोटो में जो विग्नेट डाल देना है, ठीक है? हल्का सा एंड नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा क्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नोटिफिकेशन जो है उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है।
तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चैनल में तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।